नमस्कार, आज 13 तारीख है और मैं रवि तिवारी आज आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। शनिवार का दिन है और आज से आपकी एनटीपीसी की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आप सभी जिन लोगों ने बैच में एडमिशन लिया उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आज से आप पूरी तरह बेफिक्र हो जाए। क्लियर। एनटीपीसी में आप लोगों ने एडमिशन लिया, हम पर भरोसा जताया, विश्वास जताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। कक्षाओं का जो क्रम होगा उसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपकी कक्षाओं का पूरा क्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 15 दिन किस तरीके से आपकी कक्षाएं चलेंगी और अगले 15 दिन के बाद फिर इस टाइम टेबल को फिर से चेंज किया जाएगा और फिर इसको एक बार अपडेट किया जाएगा। 15 दिन में आपके टाइम टेबल को अपडेट किया जाता रहेगा। क्लियर। सबसे पहले आप देखिए, 9:15 पर प्रातःकाल सबसे पहले सब 6 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये टाइम टेबल आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। डॉक्टर प्रयाग शुक्ला सर आपकी क्लास लेंगे, ये सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्लास आपको पढ़ाएंगे। क्लियर। इसके बाद 12 आपकी सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब 6 दिन आपकी इंजीनियर संदीप तिवारी क्लास लेंगे, गणित एवं सांख्यिकी के विषय में भी आपको पढ़ाएंगे CBT 1 और CBT 2 के लिए। क्लियर। 1 दोपहर में शेखर पांडे सर आपकी क्लास लेंगे 6 दिन और ये आपकी इतिहास की क्लासेस को संचालित करेंगे। शाम को 4 संतोष सर आपकी पॉलिटी की क्लास को संचालित करेंगे और ये आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। और शाम को 5:30 गौरव नरेंजन सर आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। भूगोल प्रत्येक दिन 5 आपकी चलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 5 प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेगी। जो लोग लाइव देखना चाहते हैं, लाइव प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो इस समय को ध्यान रख के लाइव रह सकते हैं। जो लोग मान लीजिए कामकाजी है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक वीडियो को अनेकों बार देख सकते हैं। जितनी बार आप चाहें वीडियो को उतनी बार देखिए और अपने नोट्स बनाइए, कोई पाबंदी नहीं है। आप रात में देखिए, शाम को देखिए, जब आपको समय मिले देखिए, लेकिन प्रत्येक दिन के वीडियो का काम प्रत्येक दिन खत्म कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी, जैसे कि मैंने कहा कि पहला टाइम टेबल है और 6 देना सही नहीं रहेगा, तो अभी आपकी मैथ चल रही है, मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी 15 दिन बाद फिर से प्रारंभ होगी। और जब मैं आपकी क्लास लेना शुरू करूंगा, जब ये आपके जीएस के विषय कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको 2 प्रतिदिन पढ़ाऊंगा, 1 सुबह और 1 शाम। क्लियर। तो 2 जब मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं मई के अंत तक आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करवा के खत्म कर लूंगा। मेरी एक अलग तरीके से प्लानिंग है। तो 5 की क्लास रेगुलर शुरू हो रही है। मेरी क्लासेस के बारे में सूचना है टाइम टेबल के अगले चरण में आपको दी जाएगी। अभी आप गणित के साथ 4 को कंप्लीट करिए, जैसे इसमें से कोई विषय कंप्लीट होता है तुरंत मेरी कक्षाएं आपके बीच में प्रारंभ हो जाएंगी। क्लियर। अनुशासन बनाए रखिएगा, कोई भी बात हो परेशान मत होइएगा। आपको हमेशा जब भी टाइम टेबल में चेंज होगा आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। हो सकता है 15 के पहले ही मेरी क्लास शुरू हो जाए, अभी शुरुआती दौर है इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2-3-4 में अनुशासन में रहके बैच के टीचर्स के साथ अपनी ट्यूनिंग को सेट करिए। दूसरी बात, 3-4 में आप ये सीखिए कि बैच कैसे संचालित होता है। क्लियर। 3-4 में बैच की गतिविधियां कैसे होती हैं, आपको नोट्स कैसे प्राप्त होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दीजिए। बार बार किसी भी चीज के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक टीचर अपनी पूरी बात को क्लासरूम में स्पष्ट करेगा जहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों की सफलताओं की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे आपके बैच के लिए मैं आपको और सभी अध्यापकों को सहायता धन्यवाद देता हूं, आलोक सर की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। किसी भी शिकायत के लिए हमारे 8 है, शिकायत मतलब किसी भी परेशानी के लिए आप हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर तुरंत परेशान होने की प्रवृत्ति को ना देखें, थोड़ा सा चीजों को आगे करें, आराम से करें, बढ़िया से मेहनत शुरू करें और टारगेट विद आलोक चैनल पूरी तरह आपकी सफलता के लिए पूरी तरह आसानवित है। हम इतनी मेहनत करेंगे कि आप वर्षों हमें याद रखेंगे कि हाँ, हमने वास्तव में एक निर्णय अपने जीवन में सही रह गया था, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं की तरफ आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। थोड़ी देर बाद प्रयाग शुक्ला सर की क्लास से आपकी शुरुआत होगी और आपकी कक्षाएं आज से प्रारंभ हो जाएंगी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जल्द ही आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच।